अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। फिलहाल आपको बता दें 9 अगस्त बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है। और दोस्तों पेपर आज का कैसा रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज का पेपर आसान था या कठिन, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, इस पेपर में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग थी। पता नहीं दोस्तों सभी छात्रों के बात पता थी या नहीं। देखिए पूर्व वर्षों की बात ही, इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के दोस्तों 2 अंक मिलेंगे, वह प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो मतलब दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो आपके नंबर कटेंगे भी। मैक्सिमम दोस्तों पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग होती वो 1/4 की होती है, लेकिन यहाँ पर रखा गया था 1/3 की। मतलब दोस्तों सही अंक के 2 नंबर है, तो जो गलत होंगे तो 2/3 कर दें, 2/3 कर सकते हैं। चलिए छोड़िए उसको, तो खुशखबरी क्या होगी। देखिए खुशखबरी दोस्तों ये है कि आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एडमिशन कराने से पहले एक बात का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बहुत सी बातों की बात नहीं की, सिर्फ हमने कहा एक बात का ध्यान रखना है। वो एक बात ये है ना, जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने जाएँ, वैसे सरकारी तो भाई लिमिटेड लोग को ही मिलता है, लेकिन आप जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो सिर्फ एक बार उस कॉलेज का थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लीजिएगा, इतिहास। छात्रों को लेकर दोस्तों कैसा रवैया है, देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले लूटते बहुत हैं। कल को दोस्तों आप ये मत कहिएगा कि सर हमने आपको मतलब बताया नहीं हमने आपको, लेकिन इस बात को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से कॉलेज ऐसा करते हैं। तो अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं बीएड में, तो पहले से उस कॉलेज का इतिहास आपको पता होना चाहिए कि यार कॉलेज कैसा है, ठीक ठाक कॉलेज है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं ना जहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ीस कहीं पर आपकी 1000 रुपये लगती है, कहीं पर दोस्तों 2000 रुपये लगती है, कहीं पर 5000 रुपये लग जाती है। तो यार देखिए ये सब कॉलेज का अलग अलग होता है। तो आपके दोस्तों ज़िले में 2-3 कॉलेज होंगे बीएड के, तो एक बार उसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात आपको बता दें, खुशखबरी क्या है, अगर दोस्तों आप पेपर में कुछ भी नंबर लें, खाली आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना बीएड का, तो भी दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। हाँ एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार 4 लाख से अधिक आवेदन थे, सिंपल सी बात है आपको पता है 4 लाख से ऊपर आवेदन थे, लेकिन 4 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर तो दिए नहीं होंगे, आवेदन भले ज़्यादा थे। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर ये रहने वाली है ना, आवेदन तो ज़्यादा थे, बच्चे कम पेपर देंगे, तो सिंपल सी बात है सरकारी कॉलेज पाने के जो मौके हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर बार कॉलेजेस में होता है क्या दोस्तों, जो ये सीटें होती है ना, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इन सब की सीटें हमेशा खाली रह जाती हैं। तो इनमें फ़ायदा कौन उठा के ले जाते हैं, जनरल के बच्चे, ओबीसी, एससी और एचटी, ये बच्चे फ़ायदा हमेशा उठाकर बाद में ले जाएंगे। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज अलॉट ना हो, क्योंकि भाई सबकी सीट आरक्षित होती हैं। पहले दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है वो आपके आरक्षण के आधार पर होती है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कोई सीटें फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या एसटी की खाली है, तो दोस्तों उसको खाली छोड़ा जाता है, उसको बाद में भरा जाता है। तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, ठीक है। आपको दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे कि अब आपका एडमिशन का आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर आप लोग पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल पेपर संपन्न हो चुका है, डरने की कोई जरूरत नहीं, खुश रहिए। 0 नंबर आ रहे तो भी खुश रहिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा हमारे नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हमारा क्या होगा, हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर है, आपको पहले कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे आप सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दोस्तों आगे जब आपको नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा ना, वहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने बीएड किया है या नहीं, बस। उसके बाद ये नहीं पूछा जाता कभी कि आपने सरकारी कॉलेज से किया है प्राइवेट से किया है। कोई दोस्तों बीएड में नामी कॉलेज नहीं होते, याद रखिएगा। ये दोस्तों कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई प्लेसमेंट होता है, कुछ नहीं होता है, खाली ये पूछा जाएगा आपसे आपने बीएड किया है या नहीं। सरकारी नौकरी की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट वाले पता नहीं कुछ अपना तिकड़म करें वो बात अलग है। तो सरकारी में दोस्तों यही पूछा जाएगा आपने बीएड किया है नहीं, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। आपने किया है तो उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको फ़ायदा होता है, सरकारी कॉलेज में भी फ़ायदा होता है। सरकारी कॉलेज उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है ना। देखिए आपको बता दें प्राइवेट कॉलेज क्यों बढ़िया होता है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी कॉलेज तो अधिकतर बच्चों को नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज बढ़िया इसलिए होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप सबको मिलती है, पूरी पैसे मिल जाते हैं, पूरा पैसा रिफंड होता है। एक बात और, स्कॉलरशिप में एक बात का आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। इंडियन रेलवे ने किया सावधान
कहा हमने नहीं निकाली कोई वैकेंसी, विज्ञापन है फर्जी। सोशल मीडिया पर दोस्तों आज खूब मतलब वायरल हुआ कि भाई इंडियन रेलवे से कोई नौकरी वोकरी आ गई है। तो जरा आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि आजकल फेक न्यूज दोस्तों मतलब होता है ना कि लॉकडाउन है। पहली बात तो दोस्तों रेलवे जितने उनके कर्मचारी हैं उतने लोग को मतलब इस समय रखे रहे लॉकडाउन में, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, किसी की छटनी ना हो जाए, बस यही है। तो नई नौकरी की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है। फिलहाल इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि इंडियन रेलवे की तरफ से कोई नौकरी नहीं आई है। तो आप लोग आवेदन करने की सोच रहे हो ना तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, बस इतनी सी बात थी। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले थे कि स्कॉलरशिप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको लगभग लगभग 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे दोस्तों आपकी SC कैटेगरी हो गई, ST कैटेगरी हो गई, जनरल में भी दोस्तों आजकल 100% स्कॉलरशिप आ रही है। इस समय दोस्तों OBC कैटेगरी का यार स्कॉलरशिप के हालात थोड़े खराब है, सच्चाई बता रहे हैं आपको। जब आप BEd में एडमिशन लेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक बात और होती है कॉलेज में कि आपके कॉलेज वाले कुछ बच्चों को रिकमेंड करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अंदर की बातें आपको बता रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि आपका एक दोस्त है, आप भी दोनों बच्चे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों आप भी OBC कैटेगरी के हैं, वो भी बच्चा OBC कैटेगरी का है। कल को दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप 2100 रुपये आती है, ठीक है, बात मात्र 2100 रुपये, और आपके दोस्त की जो स्कॉलरशिप आती है वो 21,000 रुपये आ जाती है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों पूरी स्कॉलरशिप भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये दोस्तों कॉलेज में कॉलेज वाले बता देते हैं भैया कि ये बच्चा बहुत गरीब है, इनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सरकार भी वैसे ही पैसे देती है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये अंदर की बात है। कॉलेज से आप सेटिंग रखेंगे तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर पैसे कमाएंगे तो आप बाद में हमसे मत कहिएगा। ये इसलिए हम दोस्तों बता रहे हैं कि हमने क्या बोला, कॉलेज में एडमिशन कराने से पहले एक बात का रखिए ध्यान। यही सब बात है दोस्तों, जब आप एडमिशन कराएं ना, एक बात में दोस्तों बहुत सी बातें आती हैं, हमने सोचा कि एक में इसको एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये सब बातें जरा आप ध्यान में रखेंगे ना एडमिशन कराने से पहले तो बेहतर होगा, बाद में आपको रोना ना पड़े, फिर कहेंगे यार ऐसा कर रहे हैं कॉलेज वाले हमारे साथ, वैसा कर रहे हैं, ठीक है। इस समय BEd वाले भाई अच्छी रेपुटेशन है, BEd करने से आपको फ़ायदा होता है। कॉलेज वाले थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास एडमिशन की इस साल कमी नहीं होने वाली, लेकिन आपको बता दें हो सकता है कि यार लोगों के पास पैसे कम हो इस बार, हो सकता है, खाली हम कन्फर्म नहीं कह रहे, लेकिन लोग भाई होते हैं ना बचा के रखे रहते हैं BEd कराने की, वो एक बात अलग है। तो हो सकता है कि देखिए कुछ भी हो सकता है, इस बार देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल तो एडमिशन जब कराने जाए तो पहले कॉलेज से आपको पूरी बातें कर लेनी पड़ेगी, कॉलेज में कैसे जाना है, रूटीन क्या होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाना पसंद नहीं करते रोज़ रोज, पहली बात आपको ये पूछनी है, ठीक है। एक बात को छोड़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। एडमिशन कराने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातों का ज़रा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि हम रेगुलर क्लास कर पाएंगे या नहीं, कंपलसरी होता है BEd में, लेकिन दोस्तों आप ये बात वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों स्कॉलरशिप को लेकर, अगर आप एक मिडिल क्लास गरीब घर से आते हैं तो पूछिएगा स्कॉलरशिप का क्या मतलब हालत है, आपके कॉलेज में पैसे वैसे आते हैं या नहीं। आते सभी कॉलेज में, बस कहिएगा कि हमारे आने चाहिए, आप बताइए, नहीं आ सकते तो हम दूसरे कॉलेज को देख सकते हैं, ये दूसरी चीज़ होगी दोस्तों। तीसरी बात कि एडमिशन लेने के बाद प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा हमसे लिया जाएगा, प्रैक्टिकल फीस, सारे फीस को दोस्तों आप एक हिसाब कर लीजिएगा कि यार हमारा BEd इतने का पड़ेगा, जितना खर्चा है वो आप वहाँ कन्फर्म कर लीजिएगा। क्योंकि होता है क्या है ना, जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप फंस जाते हैं, फिर जो कॉलेज वाले बोलेंगे वो आपको देना पड़ेगा, आप कॉलेज से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वहाँ दिक्कतें देखे आगे हर जगह आती हैं, कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स का काम, कुछ ना कुछ यार देखो हर जगह काम हो, तो कॉलेज में एक बार आप घुस गए तो आपको फंसना तय है, ठीक है। तो सारी बातें दोस्तों वहाँ क्लियर कर लीजिएगा एडमिशन से पहले, नहीं तो फिर बाद में आप दिक्कत में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। और दोस्तों चलिए अब मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखें संभावित मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो पहले दोस्तों आपको बता दें, आपका जो पेपर हो रहा था, पहले पाली का दोस्तों पेपर 200 नंबर का था, दूसरे पाली का भी 200 नंबर का, टोटल पेपर आपका 400 नंबर। तो 400 में दोस्तों आपको कितने नंबर चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, अगर सिंपल सी बात है दोस्तों आपके 150 प्लस है तो दोस्तों चांस बन सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। आप कहेंगे 150 में कैसे मिल सकता है इतने कम में ही, इसका रीज़न है दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी। देखिए निगेटिव मार्किंग होने पर काफ़ी छात्र काफ़ी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, लेकिन होता है ना कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके चक्कर में, तुक्का लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं से वो गलती कर जाते हैं। तो गलती किए होंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, जो बच्चे कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों लेकिन सही करके आए होंगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने से फ़ायदा कम है, क्योंकि आपने गलती ज़्यादा कर दी होगी तो खामियाजा भी आपको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो 150 प्लस दोस्तों आप ये सफिशियंट होगा, बाकी अपडेट्स हम आपको अगली वीडियोस में देंगे। तो चलिए दोस्तों आज आपका पेपर संपन्न हो चुका है, BEd छात्रों के लिए हमने बोला था बड़ी खुशखबरी,
तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बीएड कंप्लीट करिए और आने वाले टाइम में दोस्तों ढेर सारी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं। बीएड करने से दोस्तों आपको नौकरी पाना आसान होगा। जो छात्र आज बीएड करने से छूट गए हैं, जिन्होंने आज का पेपर नहीं दिया, अब उनके पास ऑप्शन डीएलएड का होगा। उतना अच्छा दोस्तों नहीं था डीएलएड, लेकिन अब आपके पास एक ही मौका मिलेगा डीएलएड का। बीएड तो या तो अगले साल तक आप इंतजार करें, ठीक है। संभावित मेरिट लिस्ट में चलिए हम एक बार दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज बता देते हैं कि क्या दोस्तों संभावना बन सकती है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको दोस्तों, या ओबीसी के हैं तो आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, एससी के हैं तो कितनी, एसटी के तो कितनी, फिजिकल हैंडीकैप है तो कितनी, एक्स सर्विस मैन है तो कितनी, फ्रीडम फाइटर है तो कितनी, ठीक है। एक्सपेक्टेड है दोस्तों, बाकी रिजल्ट आने के बाद तो सब कुछ क्लियर होगा ही। एक और उम्मीद लग रही थी कि आज का आपको पेपर दे दिया जाता तो बेहतर होता, जिससे दोस्तों और अच्छे से वीडियोज़ बनती, क्वेश्चन को आप अच्छे से मिला सकते थे। देखिए जनरल के लिए, अगर दोस्तों आप जनरल में 150 से लेके 180 प्लस है तो आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। ओबीसी में दोस्तों यहाँ पर भी 150 से लेके 175 प्लस में होंगे तो सरकारी कॉलेज के लिए मौके ज़्यादा हैं। एससी में दोस्तों 120 प्लस से लेके 150 प्लस में सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। एसटी में दोस्तों 120 प्लस से लेके 130 प्लस में भी आपको मिल सकता है। देखिए एसटी में थोड़े बच्चे कम होते हैं यूपी में, तो आसानी होगी। फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों 120 से लेके 125 प्लस तक मौका मिल सकता है। देखिए फिजिकल हैंडीकैप थोड़ा सा यह कंपटीशन टफ होता है यूपी में, आपको एक बात और बता दें। एक्स सर्विस मैन में दोस्तों 130 प्लस, ठीक है। फ्रीडम फाइटर में 140 प्लस से लेके मतलब 160 प्लस तक आपकी मेरिट जा सकती है, कुछ ऐसा होगा। बाकी दोस्तों जो और अपडेट्स आएंगे उसके अपडेट्स हम आपको देंगे, ज़्यादा मेरिट की उम्मीद मत करिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।